मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन कटऑफ 2023, क्या इतनी रहेगी कटऑफ? जी हाँ, इससे संबंधित आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की जो एग्ज़ाम हुई है TGT, PGT, PRT की, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल आशीष एजुकेशन समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में क्या इस बार ज़्यादा या कम रहेगी कटऑफ? जी हाँ, TGT, PGT, PRT आदि की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी जो कट ऑफ मार्क्स है आपको कैटेगरी वाई जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। आइए, आपको इससे संबंधित पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, वीडियो पर बने रहें। क्या कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, इससे संबंधित पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भारत भर के संपूर्ण जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्त पदों के तहत कुल मिलाकर 13,404 रिक्तों को जारी किया गया था, जिसके तहत आवेदन प्रक्रिया का जो समापन है हाल ही में अभी जनवरी 2023 में किया गया है, जिसके बाद में संबंधित पंजीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन भारत भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लिखित रूप में 7 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2023 तक किया जा रहा है। जी हाँ, अभी तक इसकी एग्ज़ाम चल रही है, लेकिन जिन विषयों की एग्ज़ाम अब से पहले हो चुकी है उससे संबंधित आपको कट ऑफ मार्क्स इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि इस परीक्षा में उपस्थित लाखों अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप कट ऑफ मार्क्स की जानकारी जांच कर रहे हैं, जो कि आप सभी परीक्षार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु आपको इस वीडियो के माध्यम से पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार कट ऑफ और जो पेपर का एनालिसिस है उसके आधार पर श्रेणी वाई आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आपको इससे संबंधित जो है पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके तहत सहायक आयुक्त, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PRT संगीत के लिए जो आंसर की है वह 20 फरवरी 2023 को जारी की जा चुकी है, जो कि KVS द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के साथ साथ ही जो केंद्रीय विद्यालय हैं यानी KVS उसके तहत क्षेत्रवार कट ऑफ मार्क्स को भी जारी किया जाएगा। कट ऑफ अंक सभी अभ्यर्थियों की चयन स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित पद की जो लिखित परीक्षा के लिए आवश्यक कट ऑफ अंक प्राप्त करने होंगे, जो कि यह कट ऑफ अंक आप इस वीडियो में इसकी जानकारी पूर्ण ले सकते हैं। कट ऑफ अंक लगभग मार्च 2023 द्वितीय या तृतीय सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय द्वारा अपेक्षित या अनुमानित जो कट ऑफ मार्क्स 2023 हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। कट ऑफ अंक न्यूनतम अंक है जो कि परीक्षा में उपस्थित प्रत्येक परीक्षार्थियों द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित श्रेणीवार अपेक्षित यानी अनुमानित कट ऑफ मार्क्स क्या निर्धारित किए गए हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। KVS, TGT, KVS, PGT, KVS वीडियो पर बने रहें। कट ऑफ PRT संबंधित मार्क्स आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। KVS TGT कट ऑफ मार्क्स जो हैं 110 से 115 जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा KVS PGT कट ऑफ मार्क्स 2023 95 से लेकर के 100 अंक जो कि ये भी जनरल कैटेगरी के लिए PGT में है, और KVS PRT के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए वह 105 से लेकर 110 अंक के बीच हैं। आइए जानते हैं दूसरी कैटेगरी का, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के लिए
जो है TGT में कट ऑफ मार्क्स 105 से 110 अंक निर्धारित किए गए हैं और KVS PGT में कट ऑफ मार्क्स जो है OBC वर्ग के लिए 90 से 95 अंक और KVS PRT में जो कट ऑफ मार्क्स 2023 में जो है 100 से लेकर 105 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में आपको जानकारी देते हैं अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी वर्ग की, इसमें TGT के लिए जो है 90 से 95 अंक और आइए और जानकारी आपको दी जा रही है। PGT में इसके लिए कट ऑफ मार्क्स 80 से 85 अंक और इसमें PRT के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वह 85 से लेकर 90 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए आगे और जानकारी आपको दी जा रही है अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए TGT में 90 से 95 अंक और इसके बाद में जो है आपको और अधिक जानकारी दी जा रही है, इसमें PGT के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है ST कैटेगरी के लिए वह है 80 से 85 अंक और PRT के लिए हैं 85 से 90 अंक। इसके बाद में आगे आपको और जानकारी दी जा रही है EWS कैटेगरी के लिए जो है 105 से लेकर 110 अंक और 90 से 95 अंक दिए गए हैं। इसके बाद में PRT के लिए दिए गए इसमें 100 से 105 अंक। इसके बाद में लोक निर्माण विभाग के जो हैं उनके लिए 80 से 85 अंक दिए गए हैं, TGT में 70 से 75 अंक जो बताए गए हैं वो PGT में और PRT के लिए इसमें 75 से 80 अंक बताए गए हैं। यह जो विद्यालय कट ऑफ मार्क्स प्रभावित करने के जो कारक हैं वो आपको इसमें बताया जा रहा है कि किस आधार पर ये अंक निर्धारित हो सकते हैं, जैसे कि रिक्तियों की कुल संख्या यानी कितनी पोस्टें खाली है उसके आधार पर, और आवेदन करने वालों की संख्या कितनी रही उसके आधार पर, और पेपर का जो लेवल है वो उस स्तर पर भी, और पिछले वर्षों का जो कट ऑफ है उनके आधार पर, और उम्मीदवारों का जो प्रदर्शन किया गया है उसके आधार पर। तो यह जानकारी थी आपकी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS की ओर से TGT PGT और PRT से संबंधित सभी कैटेगरी वर्ग के लिए कितने अंक निर्धारित इसके तहत किए गए हैं इससे संबंधित जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल आशीष एजुकेशन समाचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।